हाय एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं की वजह से हम लोग भी ठीक हैं। देखिए, आज मैं बनाने वाली हूँ फ़िश करी। फ़िश के साथ दो तीन तरह की सब्ज़ी। फ़िश लिए है रो फिश, 8 किलो का था, हम लोग 2 किलो लाए हैं बाज़ार से। अभी अच्छी तरह से साफ़ करके धो लूँगी। ये देखिए, फ़िश मैंने अच्छी तरह से ठंडे पानी से धो लिए है। इसमें अभी सारे मसाला देके अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद करी बनाऊँगी। फिश में मैंने नमक, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ी सी सरसों का तेल दे दिए है। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिश में मैंने सारे मसाला मिक्स कर लिए है, अभी फ्राई कर लूँगी। गर्म हो चुकी है, अभी फिश दे दूँगी। दोनों साइड अच्छी तरह से अच्छे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, फिश मैंने फ्राई कर लिए हैं। अभी दो तीन तरह की सब्ज़ी काट लूँगी, उसके बाद करी बनाऊँगी। ये देखिए, आलू पालक ये सब दो तीन तरह की सब्ज़ी मैंने काट लिए हैं और प्याज और हरी मिर्च भी काट लिए हैं। अभी अच्छी तरह से ठंडे पानी से सब्ज़ी धो लूँगी, उसके बाद करी बनाऊँगी। सब्ज़ी मैंने अच्छी तरह से धो लिए है। इसमें अभी सारे मसाला दे दूँगी, नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर। ये देखिए, सारे मसाला मैंने दे दिए हैं, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सारे मसाला मैंने दे दिए हैं, अभी करी बनाऊंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये करी बनाने के लिए प्याज और हरी मिर्च मैंने कढ़ाई में दे दिए हैं। अभी तेल दे दूंगी। प्याज और हरी मिर्च अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। प्याज के साथ साथ ज़ीरा भी दे दिए हैं। देखिए, प्याज हरी मिर्च फ्राई हो चुकी है। अब लहसुन दे दूँगी और अच्छी तरह से 1 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से मसाला मैंने मिक्स कर लिए है। अभी ढक्कन देके 4-5 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी। देखिए, 4-5 मिनट तक सब्ज़ी अच्छी तरह से पका लिए है। देखिए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए, इसमें अभी पालक दे दूंगी। ये देखिए, पालक के साथ सब्ज़ी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिए है। इसमें अभी फिश के हेड दे दूँगी। सब्ज़ी के साथ फिश के हेड है अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक ऐसे ही मिक्स कर लूँगी, उसके बाद पानी दे दूँगी। ये देखिए, पानी मैंने दे दिए है। पानी जब उबाला जाएगी तो फिश दे दूंगी। ये देखिए, सब्जी में उबाला चुकी है, अभी फिश दे दूंगी। सब्जी में उबाला चुकी है, अभी फिश दे दूंगी।
देखिए फिश मैंने दे दिए है। देखिए कितनी अच्छी कलर आई है, बहुत ही बढ़िया खुशबू निकल रही है। अभी और दो तीन मिनट तक ऐसे ही हाई फ्लेम में पकाऊंगी। ये देखिए गाइस फिश करी हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी फिश करी कैसी बनी। ये देखिए गाइस आज की हमारी फिश करी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर आई है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। देखिए हेल्दी भी है। आप लोग घर में ऐसे बना के ज़रूर खाएं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की फ़िश करी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।